नॉर्मल स्नैक्स की रेसिपी तो आप लोगों ने कई बार खाई होगी, बट आज मैं एक यूनिक शेप और बहुत ही चटपटी फ्लेवर के साथ में आप लोगों के साथ में रोज नमकीन की रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मजे में होंगे। तो रोज नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक परात ले लिया है। इसमें 2 कप डालेंगे मैदा, जिसमें मैंने नमक को मिक्स कर रखा है पहले से। अब मैं इसमें डालूंगी घी, ये देसी घी है, घर की बनी हुई है। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेरे चैनल पर मैंने डाल रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 1/4 कप डालकर मैंने घी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से मुट्ठी बनने लगे ना, इट मीन्स की परफेक्ट हमने घी को डाला है। 1 छोटी चम्मच लेंगे इसमें अजवाइन और इस तरीके से हाथों में क्रश कर हम इसमें डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच लिया है कलौंजी, इसको नाइजीला सीड भी बोलते हैं, इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे ड्राई ड्राई। अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी को छिड़कते जाएंगे और एक डो को रेडी करना है। तो इसमें ना एक बार में पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे, क्योंकि मैदे में ना पानी जब डालते हैं ना तो ये बहुत जल्दी ये फैलने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे सॉफ्ट सा डो को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके का हमने डो को बनाकर रेडी कर लिया, ये आप देख रहे हैं ना। अब इसे हमने क्या करना है, एक गीले टॉवल से ढककर इसे रख देना है 10 मिनट के लिए। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर परफेक्ट तरीके से ये फूल कर रेडी हो चुकी है। इसको बैक साइड मोड़ते हुए ना हम इसे रेडी कर लेंगे। इसमें ना लेयर्स, छोटी छोटी क्रैक्स बनने चाहिए, बस इसे छोटी छोटी बॉल्स को बना लेंगे, जैसे हम रोटी बेलने के लिए पेड़े को लेते हैं ना, बस उसी तरीके से हमने पेड़े भी बनाने हैं और उसी तरीके से रोटी की तरह इसे बेलना भी है। बट यहाँ पर ना रोटी से थोड़ी पतली हमें इसकी चौड़ाई को रखनी है। बस एक कटोरी से ना हमने गोल शेप देकर इसको रेडी कर लिया है। साइड वाले पार्ट्स को ना हम हटा देंगे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। अब इसे ना हमें प्लस का साइन देते हुए इसे कट कर लेना है, गोल से ये ट्रायंगल शेप ले लेगा, ये आप देख रहे हैं ना बिल्कुल इस तरीके से। अब आइए रोज शेप को बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर हल्के हल्के पानी को लगाकर बहुत ही हल्का लगाया है और इस तरीके से हमने लेयर बाय लेयर इस ट्रायंगल शेप को रख लिया है। इसे हम ना टाइटली फोल्ड करेंगे, बहुत ही पतला पतला पहले ऊपर से फोल्ड करते जाना है और एकदम फिंगर की हेल्प से इसे टाइटली फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना। अब मैंने बीच में से इसे कट कर दिया, चाकू से कट करें या फिर धागा से भी कट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये कट हो जाता है। इसके जो फेदर्स हैं ना, जो पेटल्स निकल रहे हैं, बस उसे ना निकाल कर फैला लेंगे ताकि ये जो है ना रोज़ का शेप ले सके। आप इसमें जितने लेयर डालेंगे उतने इसके पेटल्स निकल कर आएंगे। अगर इन सभी को स्टिक करने में दिक्कत हो रही हो तो सेंटर पे एक स्क्यूअर्स या फिर स्पून के पीछे वाले भाग को रख कर इसे स्टिक कर बना सकते हैं। बट हमें छोटे छोटे स्नैक्स बनाकर रेडी करना है, तो मैंने 4 से 5 पेटल्स ही डाले हैं। इसमें लौंग डाल दिया है अच्छा लुक आने के लिए, और बस गर्म गर्म तेल में हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से करारे गोल्डन और क्रिस्प हो जाने तक उलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। अगर ये पलट ना पाए तो आप ना ऊपर से इसे गर्म गर्म तेल से इसे कवर करें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से लाल और करारे हो जाएं, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें ना तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसके एक मसाले को रेडी करते हैं, जिसमें आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक पहले मैदा में मिक्स किया था इसीलिए अभी डाल रही हूँ। इस चटपटे से मसाले को इस स्नैक्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खाएंगे ना, बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा और बार बार बनाने का मन करेगा। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।